देखिए वाराणसी में पिछले कई सालों से, पिछले कई चुनाव से बीजेपी ही यहाँ लीड करती रही है। उसका कारण भी रहा है कि जिस तरह से यहाँ मुद्दों को बनाया जाता है, गरमाया जाता है हिंदुत्व को, तो जाहिर सी बात है लोग उस पोलराइजेशन में आ जाते हैं। अंततः लोग भूल जाते हैं कि कल को हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, कल को हमें अच्छे सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और बच्चों के लिए पूरे शहर में कोई पार्क नहीं है बनारस में, अच्छे पार्क चाहिए, ये तमाम चीज़ें लोग भूल जाते हैं। उनको ये याद दिलाया जाता है, सुबह शाम चीखा जाता है कि भाई मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये करके ही यहाँ की पूरी राजनीति चल रही है। देखिए जातीयता का मुद्दा है, धर्म का भी मुद्दा है। धर्म का मुद्दा उसमें से भी एक पार्टी उसको उसकी चैंपियन है, उस पिच पे वो हमेशा खेलते आए हैं, खेल रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। और बाकी सारी पार्टियां ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी जात कुट करती है, सारे जात को देख के ही अपना तय करते हैं किसको कहां से टिकट देना है, किसको कहां से लड़ाना है, किस जात की संख्या कहां ज़्यादा है, ये सारे पार्टी करते हैं। लेकिन धर्म के का जो एक बड़ा असर करता है उत्तर प्रदेश चुनाव में, धर्म असर करता है, जात भी यहाँ एक फैक्टर है, तो उसमें बीजेपी तो खेलती है धर्म को, धर्म के बीच पे उसका तो है, ये खेल नहीं है उसको। जब भी आप बात करेंगे रोजगार, कहेंगे भैया बहुत भाई आतंकवादी देश में, आतंकवाद का खतरा प्रदेश में, आतंकवादी घुस आए हैं, इनका ये तरीका है, इनकी राजनीति का ये जरिया इनका यही है। ये सबसे झूठी सरकार है, सबसे झूठी सरकार, जिसकी माइनॉरिटी पता नहीं है। अभी हमारे अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्रालय ने खुद भाषण देते हुए कहा उन्होंने कि 12 पास हुए बच्चों को जब इंटर में एडमिशन कराने जाएंगे तो उनको लैपटॉप मिलेगा। इन 12 इंटर में इनको पता नहीं है क्या है ये सब, क्या है, या तो पढ़े लिखे नहीं हो या स्कूल के पिछवाड़े पढ़े होंगे ये सब। सर देखिए, इनका जो एक रहा है, इनका जो एक चुनावी माहौल जो क्रिएट करना चाहते हैं लोग, ये बस इसलिए कि हम हिंदू मुस्लिम कर लें, महंगाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। महंगाई क्या है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। और सर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो फूलपुर विधानसभा लगती है, एक यहाँ पे रोड है माहौल मार्केट से जाती है कलान के लिए, जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे कॉलेज चलता है, विश्वनाथ है, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, उस रास्ते पे चलने लायक नहीं इस समय। आप अरोला से चले जाइए कप्तानगंज के लिए, वहाँ पे चलने लायक नहीं है। तो आज की डेट में सर जो जनता चाह रही है वो विकास के लिए मर रही है, कोई विकास नहीं है। दूसरा मुद्दा सर, इनका जो छुट्टा जानवर का है, आपने क्या जी छुट्टा जानवर का सर मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, और जिससे सर किसान हमारा बहुत ही परेशान है। तीसरा सर, ये जो हिंदू बनाम मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, अब सर मंदिर मस्जिद नहीं रह गई, लोग सर जागरूक हो गए हैं, चाह रहे विकास, चाह रहे रोजगार, चाह रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक अपना पेट नहीं भरेगा तब तक क्या मंदिर मस्जिद, क्या पेट भरेगा हमारा? जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक कैसे विकास होगा? इन्होंने मंदिर के नाम पर वोट लिए, थोड़ा सा शिलान्यास कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। ये दीपक है, ये समीर है, ये फलाई, ये ऐसी राजनीति होती है। भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, अच्छा। मेरे को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? हाँ। हैं? हाँ। क्या चाहिए मेरे को दीपक से, क्या मतलब भाई? हैं? मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को कितना चाहिए? 3,000 रुपये पेंशन चाहिए, दिल्ली के अंदर 2,500-3,000 है, उत्तराखंड के अंदर हैं? मेरे को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, 1,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी इलेक्शन टाइम में, ऐसा होता है? कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है हम लोग को प्रधानों को देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। उनको जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं वो क्या देंगे, उनके पास कुछ नहीं है, देश को तो बेच डाले। 2% अपना वो इकोनॉमी हमारी देखिए ना कहाँ गए, चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम तो केवल पाकिस्तान की बात करते हैं, ना तो किसी जापान की बात करते हैं, ना तो जो है किसी फ्रांस की बात, ना अमेरिका की बात करते हैं, किसी की नहीं। केवल हमें जो है पाकिस्तान, मुसलमान, सरदार जी, फला, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे अपने हैं, हमें तो सबके साथ रहना है। हमारा देश हमारा देश है, हमारा पाकिस्तान में खाने थोड़ी ना देता है जब हम पाकिस्तान की बात करें, तो झूठे अफवाह है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, होगी भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं किए हैं, लेकिन असल बात गरीब का बेचारे पाए ही नहीं, और गरीब का गाए गए कहाँ से? अब भाई मिला है तो बढ़ के लोग खा गए, छुटका बेचारे को मड़ई में मर्दबान, कोनो कुर्ता पहन के फटे टहर में, हम लोग नहीं कट कुर्ता देख ला का बाप कि झूठ बोलते, देख ला पैसा शरबत हम बनवा के टहरी ना भैया, क्या करी? और हमारे पास एक आवास नहीं है, न घर है, अब मड़ई लगा के रहते हैं आम के बगीचे में, क्या कर जीवन पालन करते हैं, प्रभु हम हाथ जोड़ कर रहे हैं। अब भाई सरकार तो बहुत अच्छी है लेकिन ध्यान नहीं दे पाती हम लोग पर। देखिए धर्म और आस्था का मुद्दा तो है ही है, धर्म तो भाई हिंदू धर्म तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद उसके पहले भी बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त बढ़ी है और महंगाई अपने चरम पर पहुँच चुकी है, क्योंकि एक गरीब आदमी कमा करके पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ तो सत्य है बिल्कुल।
हम लोगों की कैसे कैसे हम लोग परिवार को जिला खिला रहे हैं, जो गैस भरवाते थे उसकी सब्सिडी जो है आनी बंद हो गई, ये सारी चीज़ें जो है तो पब्लिक झेल रही है उसको। देखिए राष्ट्र के लिए तो मोदी जी चीफ एंड बेस्ट हैं, राष्ट्र के लिए चीफ एंड बेस्ट हैं वो, अपने देश के लिए। आज की डेट में सर जनता को, सर पब्लिक जो है उसको सर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। सर बताइए 5 किलो राशन से, 1 किलो नमक से आप सर एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरे तरफ से ले रहे हैं, बताइए सर इसके जीव को पार्जन चलने वाला है? 15 लाख मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए हर सबके खाते में आएगा, सर किसी खाते में नहीं आया 15 लाख रुपए। उन्होंने सर कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में टालेगा, आज सर कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां सर बिक गई बताइए, बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बिक गए सर, कहाँ से सर कर देंगे? मोदी के ऊपर सर कहाँ से कौन विश्वास करेगा बताइए? बस सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा होना चाहिए किसी भी जगह के लिए, आज यूपी के लिए ये बात नहीं होती, पूरे देश भर के लिए। दूसरा मुद्दा हमारे शिक्षा का होना चाहिए, हम कैसे पढ़ें, हमारे बच्चे कैसे पढ़ें। तीसरा मुद्दा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कि कैसे हम रहें समाज में, हम रहते हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमारे हक में है कि नहीं। और मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मतलब काबिल है, कितनी सचल है, कितनी मजबूत है, कि हमें वो हमें ज़रूरत पड़ने पे वो सेवाएं जल्दी और सस्ते में मुहैया हों। कमल को देना तो सवाल ही नहीं उठता है, इतनी बेरोजगारी, इतनी महामारी, इनको पता होना चाहिए कि महंगाई इतना है। चलिए महंगाई हर अथवा में बढ़ती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन बेरोजगारी, जो सीटें खाली हैं उसे भरिए। कम से कम 1 करोड़ जनता अगर नौकरी करेगी, 1 करोड़ तो कम होंगे। महंगाई तो भाई बतिया अलग है, महंगाई तो जबरन किए हुए हैं, जबरन 175 बैरल इस समय चल रहा है डीजल पेट्रोल, अब बताइए क्या है ये सब। अभी 20 रुपया फिर बढ़ जाएगा, लड़ाई चल रही है ऊपर से, बढ़ जाएगा तो फिर वही महंगाई की मार पड़ेगी। ये अपाहिज बना दे रहे हैं 5 किलो राशन दे के, एक तो कोटेदार 1 किलो काट ले रहा है 5 किलो में, ये तो अपाहिज बना दे रहा है आदमी। रोजगार दो ना, कि वो राशन लेने के हक में ना रहे, वो अपना पेट पाले, वो अपना पेट पाले। और रह गई बात, 10,000 एम्बुलेंस कर्मचारी 108 समाजवादी ने निकाला था, 10,000 एम्बुलेंस कर्मियों को इन्होंने निकाल दिया आदित्यनाथ योगी ने। तो कंपनी खुद कहती है कि हम आपके सरकार, CM ने खुद कहा है कि इन लोगों को निकालो, ये सब जो है कि हमारे ये सपा के गुंडे हैं। 10,000 लोगों को बेरोजगार हो गया, वो परिवार से पूछिए जाके। एक तो 12,000 की नौकरी देते थे, 12,000 की नौकरी पाने वाला बंदा अगर बेरोजगार हो जाएगा तो बताइए क्या करे। हम लोग धरना किए, कुछ सब कुछ किए, प्रशासन तक नहीं आई पूछने। हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है, उम्र चला जा रहा है, पढ़ाई ख़त्म हो जा रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो इनके सरकार में, भाजपा के सरकार में क्या अभी मिला, बच्चे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। हमने कहा चाहा था कि जना कि हमने के गांव में खम्भा टूट गई, अच्छा ओके बदे कोनो अथुआ नहीं वो जना मिलल, और फिर भी जन बा सीवर नहीं बा, पानी चपला तक कोरौता गांव में झगड़ा होला, मारपीट हो जाला, पानी के बरसा न दऊ तब झगड़ा, बरसात के पानी में जलबा आपस में झगड़ा हो जाए, मार हो जाए, मारपीट हो जाए। अब फिर भी पानी जलवा, हमने खाना बनाइला पिया के तरस जाइला, मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया। कवन बिका जाओ, तेल इतना महंगा बा, तेल इतना महंगा बा, मोदी सरकार यह देले बा लॉकडाउन में जलवा कमाई रोक देने जनता आदमी का। रोजगार कितने को मिला यहां, जैसे रोजगार है आप लोग? कुछ नहीं मिला, कौन नहीं, कौनो चीज नहीं, हमने के बैठल काम मिले तब हमने कर लेला। भारतीय हरी खादी ग्रामीण में हम काम करते थे, 3 महीना ट्रेनिंग दिए थे, उसके बाद हमें चरखा मिला, वो 80 लाख का, 80,000 का लोन लेकर हमारे पास 1 रुपया नहीं आया, और 40,000 का हमारे पास चरखा दिया है और सौर ऊर्जा बैटरी, और उसके बाद हमारा काम भी नहीं चला, और लोन भी हमारा है यूनियन बैंक में, काम भी नहीं चला, वो क्या नाम है, गोडाउन भी बंद है, तो न हमारा लोन पास भर रहा है, न हमारा काम चल रहा है, तो मोदी तो बंद करवा दीजिए, तो हम करें तो क्या करें, न हमारे पास कोई कमाई है, न कोई धंधा है, तो हम लोन कैसे भरें? मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन
एकाएक जो लॉकडाउन लगा दिए, कहाँ विदेश से लोग पैदल चलकर चलते चलते बेचारे खाने को नहीं हुआ, मर गए। बताइए इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम जनता भी तो पड़ेगा, मोदी जी को लोग स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है? एकाएक लॉकडाउन लगा दिए, बैंक में धक्का मुक्की खाए। भाई लॉकडाउन लगाना है, ठीक है, लॉकडाउन लगाया, धीरे धीरे लगाया जाता है कि नहीं? अब एकाएक किसी को बंद कर देंगे तो बेचारा तो ऐसे ही मर जाएगा। देखिए सपा की सरकार जो थी पहले, हम लोगों की हाई कोर्ट में रीट चल रही फार्मेसी की वैकेंसी की, ठीक। सपा के गवर्नमेंट में हम लोगों की आगे बढ़ गई थी, लेकिन इसके गवर्नमेंट में वो फाइल दबा गई। सन 2002 से हम लोगों की वैकेंसी नहीं आई है फार्मासिस्ट की। मैं करीब 2014 पास आउट होने के बाद तब से बेरोजगारी के तौर पे ऐसे ही दौड़ रहा हूँ। तो मतलब जो बीजेपी सरकार है उसने बेरोजगारी पर कितना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इतना ज़्यादा खोल दिया है, नौकरी कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सबको दे रहे हैं टेंडर बेस पे, टेंडर बेस पे कोई वैल्यू नहीं है। 12 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कहीं भी ड्यूटी होती है 8 घंटे की, 12 घंटे 10-10 घंटे खटाते हैं, सैलरी वही 12 से 15, कोई वैल्यू नहीं है। इससे तो किसान बहुत परेशान है। गाय घूम रही हैं, किसान को बहुत नुकसान पड़ रहा है, जो कि उन सभी फसलें जो कि खा जा रही हैं उसका कोई सुविधा नहीं की है सरकार, जो कि सारी मतलब जो भी सुबह मतलब सब्जी है, गेहूं है और आलू है, सरसों है, ये सब चीज़ें जो किसान लगाते हैं छोटे छोटे मात्रे में, वो सब नुकसान कर जा रहे हैं, तो किसान इससे बहुत परेशान है। तो मुफ्त में दिए तो फिर उसके बाद तो टाड़े टांग गया ना, जो 400 का मिल रहा था रसोई गैस, अब वो तो 1000 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है। गरीब है कैसे भराएगा? जो 200-300 रुपया कमाता है गरीब, तो 1000 का तो गैस भराएगा नहीं। अगर वो 300-400 का था तो अपना एडजस्टमेंट करके 50 रुपये इस महीने, फिर 50 रुपये इधर से उधर से अपना एडजस्ट करके 400 का भरा लेता था तो चलता था। अब 1000 कैसे जुटाएगा? 1000 फिर अपने बच्चों का खिलाएगा, फिर स्कूल में जब एडमिशन कराएगा, राशन लेगा, फिर होली त्यौहार आ रहे हैं तो कपड़े लेगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके बचाएगा, तभी तो 1000 का गैस कैसे भराएगा वो। जो ये 5 साल हम लोगों का बीता है, 5 साल के समय में हमें नहीं लग रहा है कि मतलब कि योगी बाबा को कोई नकार सकता है। जो हालात बने हैं ये बहुत साइलेंट हैं, ये काम पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि रोड वगैरह अगर आप देखना चाहें, कितने प्यारे रोड हो गए हैं। कभी हम यहाँ से 200 किलोमीटर जाने की इच्छा रखते थे तो उस रोड पे अगर हमें जाना होता था तो 6-7 घंटे लग जाते थे, आज हम 2-2.5 घंटे में उस रास्ते का तय कर ले रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। नहीं, माहौल तो चल रहा है अखिलेश यादव का। हाँ, माहौल इधर अच्छा चल रहा है अखिलेश यादव का। हाँ, उनके सिवा कोई जीतने वाला नहीं है। क्यों, आपको क्या क्यों लगता है? वो अच्छे आदमी है, अच्छा काम करते हैं। अगले बार बहुत बहुत कुछ किए, क्या क्या नहीं किए वो क्या बताइए? जैसे अरे यहाँ बहुत कुछ अच्छी अच्छी सड़कें वही उन्हीं का देन है कि बना है। बनारस में तो बीजेपी आगे। आपको क्या लगता है, आपकी समस्या क्या है? आपका समस्या मुद्दा यही है कि थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल रहता तो और अच्छा इनका होता पोजीशन। थोड़ा सा इनका डाउन होगा पिछली बार से, लेकिन आएंगे यही आएंगे। हाँ, योगी जी आएंगे। साइकिल की उसमें वो गुंडागर्दी ज़्यादा रहता है। और क्या है जी, गुंडागर्दी मोदी के इसमें, इसमें थोड़ा बहुत कम हुआ है। हाँ, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी को देते हैं। सीधा समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ है जी। इनसे जो है इनके सहयोगी दल नाता तोड़ रहे हैं, इसका एक साफ साफ दिख रहा है कि समाजवाद जो है बढ़िया से लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ से 5 सीट जो है समाजवाद के खाते में जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी हमारे झूठ बोलते हैं जी। अखिलेश जी ने 112 दिया, उसका सिरे अपने आप लेते हैं, और बच्चियों के जो है बलात्कार हो रहे हैं, हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया जा रहा है, उस पर सरकार मौन है, रातों रात संस्कार कर दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है, ये गलत है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी सरकार बनाए। सर उस समय क्या था कि ये सोचते थे लोग, चलो बीजेपी अगर एक बार इनको चांस देना चाहते थे कि ये उनसे भी अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस विश्वास पे जिस पे इनको जिताया गया था, पिछली बार हम लोग भी वोट दिए थे, इस बार नहीं दे रहे, उस पे खरे उतरे नहीं है। अगर खरे उतरते तो फिर देते। जीतने वाले का तो खैर पता ही है, हमको मालूम नहीं, एक ना एक तो जीतेगा ही, ठीक है, लेकिन हारने वाले का हमको पता है कौन हारेगा करके।
हारना पब्लिक को ये चाहे पहले कोई भी जीते हमारा कहने का मतलब यह हारेगा पब्लिक ही चाहे कोई भी जीते। अब एक दो चुनाव आता कोई ना कोई तो जीतेगा ही।